मिन्ना कारी अजमल। माशाल्लाह कारी साहब, पहले आपसे ये सवाल है कि पाकिस्तान का सबसे ईमानदार लीडर कौन सा है? इमरान खान। यस। कासिम के अब्बा। यस। पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह। हम नहीं कहते यार, जाती है वैसे। हमारी पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तान के साथ बिल्कुल मुखलिस है। अगर अल्लाह जानता है कि कोई आदमी, कोई जो है अहलकार, कोई अफसर अगर वो गद्दारी कर रहा है तो अल्लाह उसका हिसाब लेगा इंशाअल्लाह। किसी एक काली भेड़ की वजह से ना पूरी आर्मी को गंदा करना, पूरी आर्मी का मोराल गिराना, ये दुरुस्त नहीं है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एक दफा नारा लगा दे, पाक आर्मी जिंदाबाद। हाँ जी, देखिए हर मुल्क में ना, हर मजहब में, हर डिपार्टमेंट में अच्छे बुरे लोग होते हैं। एक दो अगर बुरे हैं तो अल्लाह उनको हिदायत दे और उसकी वजह से आप पूरे डिपार्टमेंट को बदनाम ना करें। ठीक हो गया इंशाल्लाह। अच्छा, महंगाई की सूरत हाल की वजह से क्या गुजारा मुमकिन है? मुमकिन नहीं है। गुजारा मुमकिन होता तो दिन को बच्चों को पढ़ाते हैं कुरान पाक, रात को इधर 300, 400, 500 दिहाड़ी लेते हैं सर। रात को 8 बजे आते हैं, सुबह 10 बजे तक यहाँ रेडी पे खड़े होके, एक टांग पे खड़े होके काम करते हैं। आप कुरान पाक बच्चों को पढ़ाते हैं? बच्चों को पढ़ाता हूँ, घरों में पढ़ाते हैं कुरान पाक। पर मंथ क्या कमा लेते हैं? 8-10 हज़ार उधर से हो जाते हैं, 10-12 हज़ार इधर से हो जाते हैं, तकरीबन 20-22 हज़ार मैक्सिमम। 20-22 हज़ार में तो गुजारा नहीं हो सकता? बिल्कुल नहीं होता। तो बाकी इखराजात कहाँ से आते हैं? बस अल्लाह ही पूरी करता है। तो घर अपना है आपका? घर इधर तो मुल्तान में नहीं है, पीछे गांव में अपना है। गांव में तो अपना है, मुल्तान में आप जिस घर में रहते हैं उसका किराया भी देना पड़ता नहीं? नहीं देते किराया, नहीं देते। मैं शाह साहब के पास रहता हूँ, सैयद साकिब शाह साहब हैं बुखारी। सैयद साकिब शाह साहब के पास, तो उनकी आप रिहायशगाह पे या उनके साथ? उन्होंने आपको रिहायशगाह डेरा है, डेरे पे मैं रहता हूँ, रिहायश उन्होंने दी हुई है। अच्छा, उन्होंने आपको रिहाय दी हुई है। आपके चैनल को अल्लाह पाक और तरक्कियां दे और आपको भी, पूरी टीम को भी अल्लाह पाक सलामत रखे, हमारी दुआ है। अच्छा, आपके पास मोबाइल तो होगा? जी मोबाइल है। ठीक है, आप कारी साहब ऐसी है, हम आपको अपनी तरफ से तोहफा देना चाहते हैं यार, इधर आ जाए यार। हम वैसे आज तक हमने किसी को फ्री में कुछ दिया नहीं है, तो नहीं यार, ये कारी साहब को ये हमारी तरफ से, आप ये आपके कुरान की इज्जत है। मेहरबानी, शुक्रिया जनाब।